डियर स्टूडेंट, आज का टॉपिक है आपका डिक्स टाइप इंसुलेटर। ठीक है, तो हम इसके बारे में समझते हैं कि डिक्स टाइप इंसुलेटर क्या होता है। डिक्स टाइप इंसुलेटर, ठीक है, डिक्स टाइप इंसुलेटर। ठीक है, तो डिक्स टाइप इंसुलेटर कैसा होता है, इसका कुछ सर्किट डायग्राम बनाइए। पहले ये कहीं आपने देखा भी होगा, जहाँ बड़ी लाइन होती है तो वहाँ इस तरीके से डिक्स टंगी रहती है कुछ, ये इस तरीके की डिक्स देखी होंगी। डायग्राम भी नहीं बनेगा इस पर, आप कॉपी में ढंग से बना लेना, है ना। तो ये इस तरीके से, फिर नेक्स्ट डिक्स लगी होगी इसके नीचे, ये सपोर्ट के लिए। फिर ये, ठीक है, इस तरीके से बनाते रहना, इस तरीके का डायग्राम। तो एक डिस्क तो मेनली इस तरीके की होगी आपकी, एक डिस्क होगी इस तरीके। ये तो कॉम्बिनेशन ऑफ डिस्क है, ये बहुत सारी डिस्क बनाकर कि आपने देखा भी होगा इस तरीके से लगी रहती हैं। अगर एक डिस्क का देखोगे तो कहाँ तक मिलेगी आपको, ये इस तरीके का। ठीक है, तो यहाँ क्या कौन सी होगी आपके डिस टाइप इंसुलेटर। ठीक है, तो इसके बारे में लिखते हैं पहला पॉइंट। देखो पहला पॉइंट क्या होगा, तो पहला पॉइंट लिखिए द डिस टाइप इंसुलेटर इंसुलेटर कंसिस्ट ऑफ डिक्स यूनिट वन एबव द अदर। ठीक है, दूसरा पॉइंट, ईच डिक्स पेयर सरफेस इज इंक्लाइंड एट ए सुटेबल एंगल फॉर द फ्री स्लिपिंग ऑफ द वाटर। ठीक है, तो जो आपके ये है, तो यहाँ क्या रहेगी कि एक लगा दो, दो लगा दो, ये क्या रहती हैं आपकी वोल्टेज के अनुसार डिसाइड की जाती हैं। एक डिक्स रहती है 11 kV के लिए, कितने के लिए, 11 kV के लिए। और जो ऐसे ही अगर वोल्टेज आपको इंक्रीज करता चला जाए तो एक डिक्स बढ़ाओ, फिर दूसरी डिक्स लगा दो, तीसरी डिक्स लगा दो, इस तरीके से डिक्स लगाते चले जाओ। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या होगा, एट इट ऑलमोस्ट रिमेन वर्टिकल स्ट्रेस। ठीक है, तो जो आपके यहाँ जो इस पर पोल्स लगे, पोल्स पे ये स्ट्रिंग, ये आपके डिक्स टाइप इंसुलेटर रहता है, वो उस तरीके से टंगा रहता है। ठीक है, तो इतना समझ में आया कि डिक्स टाइप इंसुलेटर क्या रहता है, कि डिक्स आपकी इस तरीके की मिलेगी आपको, अगर एक डिक्स देखोगे इस तरीके की, और ये क्या रहती हैं, आसानी से कसी रहती हैं। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट इसमें लिखिए, एडवांटेज ऑफ डिक्स टाइप इंसुलेटर। तो यहाँ से अगला हेडिंग डालिए, एडवांटेज ऑफ डिक्स टाइप इंसुलेटर, है ना। तो डिक्स टाइप इंसुलेटर पहला जो एडवांटेज क्या होगा, पहला एडवांटेज देखिए क्या होता, कि जो एक डिक्स रहती है वो किसके लिए, एक स्पेशल वोल्टेज के लिए, या 11 kV है, जो भी है, है ना, उसके लिए डिज़ाइन की जाती है। अगर जैसे ही आपका वोल्टेज अगर इंक्रीज हो जाए, तो उसके लिए क्या करेंगे आप, नंबर ऑफ डिक्स को क्या करेंगे, एडजस्ट करते चले जाओ वोल्टेज के हिसाब से, क्या करते चले जाओ, एडजस्ट करते चले जाओ। तो ये सबसे बड़ा इसका एडवांटेज है, वरना क्या होता कि अगर हमें फिर अलग अलग बनाना पड़ता, एक पूरा इतना बड़ा डिक्स का बनाना पड़ता, और वो क्या होता आपका एक बार में अगर ये। ठीक है, तो इसका पहला पॉइंट लिखिए, ईच डिक्स इज डिज़ाइन
is designed for a suitable voltage, certain voltage, but it high voltage insulator is required. अगर हाई वोल्टेज होगा तो इन डिक्स के यानी कि इंसुलेटर की आपकी आवश्यकता होगी, तब क्या होगा, देन द नंबर ऑफ डिक्स एडजस्ट, ठीक है, क्या करेंगे आप, एडजस्ट कर देंगे कि नंबर ऑफ यहाँ तक, ये डॉट 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 एन तक है, जितना वोल्टेज बढ़ाओगे उतनी क्या बढ़ती चली जाएंगे, डिक्स बढ़ती चली जाएंगे. दूसरा पॉइंट लिखिए, दूसरा पॉइंट, इन केस ऑफ फेलियर, अगर डिक्स आपकी फेल हो जाती है, डिक्स कोई भी डिक्स फेल हो जाती है तो पूरा क्या होगा, आपको रिप्लेस करने की आवश्यकता नहीं होगी, एक डिक्स को क्या कर दो आप, रिप्लेस कर दो, ठीक है. तो क्या लिखो, फेलियर ऑफ वन डिक्स, देयर इज नो नीड ऑफ replacing the entire string, only discs can be replaced. ठीक है, बात समझ आई, कि अगर आपकी कोई भी डिक्स एक फेल हो जाती है तो पूरे स्ट्रिंग को, इसके ये क्या कहलाएगी आपकी स्ट्रिंग, इससे पूरे को रिप्लेस करने की आपको आवश्यकता नहीं है, बस कितने को आवश्यकता है आपकी, कि एक डिस्क को रिप्लेस कर दो, ठीक है. दूसरा पॉइंट, इसका दूसरा पॉइंट लिखिए, दूसरा पॉइंट क्या होगा, लिखिए, ड्यू टू इट फ्लेक्सिबिलिटी the mechanical stress is reduced. अगर क्या होगा कि ये इसमें क्या रहती है फ्लेक्सीबिलिटी, उसकी वजह से क्या होती है, मैकेनिकल स्ट्रेस क्या रहती है इसकी, आपकी रिड्यूस हो जाती है, ठीक है. अगला हेडिंग लिखिए, अगला हेडिंग क्या होगा, अब एडवांटेज है तो दूसरे डिसएडवांटेज भी होंगे इसके, तो डिसएडवांटेज है ना. पहला डिसएडवांटेज क्या होगा, देखिए डिसएडवांटेज क्या होगा, अगर मान लीजिए यहाँ की आपकी आपकी डिक्स ख़राब होती है, सबसे ऊपर की ये आपकी वायर गुजर रही है, ये नहीं ये आपका पोल है, ये पोल है और ये यहाँ वायर यहाँ कसा हुआ इंसुलेटर, और यहाँ से ये आपके डिक्स ये वायर लगी है तो अगर ये ख़राब होती है तो आसानी से रिप्लेस कर दोगे, ये ख़राब होती है तो इससे थोड़ी मेहनत लगेगी, और जो सबसे एंड में ख़राब होगी उससे पूरे डिस्क को आपको खोलनी पड़ेगी, तभी आप क्या करो रिप्लेस कर पाओगे, ठीक है. तो इसमें लिखिए, पहला पॉइंट, बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ डिक्स, अगर नंबर ऑफ डिक्स बढ़ा रही हैं, देन हाइट ऑफ द टावर इज इंक्रीज, है ना. अगर नंबर ऑफ डिक्स बढ़ा रहे हो तो उसकी हाइट भी, जैसे यहाँ है आपका टावर है तो अगर यहाँ डिक्स लगाओ तीन तो तीन डिक्स लग जाएंगे, अगर उसके बाद चार डिक्स लगाओगे तो इसकी हाइट जमीन से क्या होगी और ऊंची करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से क्या हो कंडक्टर वायर और ग्राउंड के बीच में क्लियरेंस बरकरार रहे, ठीक है. इंक्रीज सो इन केस ऑफ फेलियर ऑफ टॉप मोस्ट यानी कि ऊपर की जो डिक्स हैं टॉप मोस्ट डिक्स, इट इज नॉट ईजी टू रिप्लेस. यानी कि जो टॉप की जो डिक्स है उसे क्या हो जाएगा, आसानी से आप रिप्लेस नहीं कर सकते, उसके लिए तो पूरी आपको फुल मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है. तो अगला डिसएडवांटेज क्या है इसका,
ठीक है, सबसे बड़ा तो यही है। फिर उसके बाद क्या होगा कि इसमें कॉस्ट बढ़ जाएगी इसकी, जैसे डिस्क बढ़ाओगे तो इसकी टावर की कॉस्ट बढ़ जाएगी। उसके लिए क्या होगा, आपको ज़्यादा कॉस्ट बढ़ेगी, मैकेनिकल टावर ऊँचे लगाने पड़ेंगे, स्ट्रेस बढ़ जाएगी, बहुत सारे लॉसेस आ जाएंगे। तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है इसकी कि अगर एक टॉप की डिस्क अगर नीचे की डिस्क खराब होती है तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से ऊपर से रोकेंगे और यहाँ से क्या होगा कि इसी डिस्क को आराम से रिप्लेस कर देंगे। टॉप की डिस्क अगर खराब होती है तो उसके लिए क्या आएगी, आपको पूरा ही आपको खोलना पड़ेगा। ठीक है, इतना समझ में आएगा डिस्क। तो उसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।